Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक न्यू हॉरर गेम जिसका नाम है लेट नाइट मॉब. नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस गेम में हम लोग एक जेनेटर हैं जो कि घर की साफ सफाई करते हैं और गेम दिन का नहीं नाइट टाइम का है. वैसे भी यार मैक्सिमम हॉरर गेम रात के होते हैं. लेट्स गो, बातें कम करते हैं, जल्दी से चलते हैं गेम में. ऑलराइट, आते किसी का कॉल है. Sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? Okay. I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. ठीक है. थैंक यू टू. तो अभी एक भाई साहब का कॉल आया, उसने कहा कि काफी ज्यादा रात हो गई है बट उसको कुछ ज्यादा जरूरी है. उसके घर पे कल गेस्ट आने वाले हैं और उसने घर में कुछ गंदगी मचा रखी है, तो हम लोग उसे साफ करने उसके घर में आ गए हैं इतनी ज्यादा रात को. बाय द वे, अगर लाइट वगैरह और जल जाती तो थोड़ा बढ़िया रहता. मेरे को समझ नहीं आ रहा ये सस्ता लैंप है या फिर क्या सीन है. जल रहा है बट लाइटनिंग सिर्फ इतने ही एरिया में है, कुछ ज़्यादा अंधेरा है. कोई स्विच वगैरह है क्या? यार मैं लाइट जला देता हूँ, यहाँ पर माहौल मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है. फिलहाल कोई नहीं, उसके घर में कल गेस्ट आने हैं तो मैं सफाई कर देता हूँ. बट सेंसर्स लगे हैं क्या? लाइट ऑटोमेटिकली कैसे जल गई? वेट, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ. यहाँ पर ये पड़ा हुआ है मॉप, मुझे ये लेना होगा क्योंकि इसी के थ्रू मैं सफाई कर पाऊंगा. भाई लाइट ऑटोमेटिकली जल रही है, शायद इस बात से मुझे डरने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर थोड़ी गंदगी मची है, इसको फटाफट से मैं कर देता हूँ साफ. यहाँ पर चाय वगैरह गिरा दी होगी बेचारे ने. फिर ये क्या हुआ है अचानक से? वही बहुत गंदी वाली बिजली कड़की है और बाहर बारिश शुरू हो गई. और ये सामने कोई पेपर गिरा हुआ है पक्का, ये कोई मेरे को देख नहीं. ओ भाई सच में पेपर है. भाई शैडो में देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा मुझे देख रहा है. यहाँ पर इसको उठाकर मेरे को इसमें डालना है. परफेक्ट भाई, साफ सफाई करवाने के लिए बुलाया ना, कोई भूत वूत तो भगाने के लिए नहीं बुलाया. मेरे को गड़बड़ लग रही है. यहाँ पर एक दरवाजा, छी कितना गंदा बाथरूम है भाई. वेट, इसको हटाओ, कितना गंदा मचा रखा है भाई इस बंदे ने. यहाँ पर पेपर है, इसको उठा के रख देता हूँ. ये डस्टबिन है क्या? हाँ डस्टबिन ही था, इसको रख दिया. यहाँ पर भी इसने गंद मचाया हुआ. ले भाई पूरा साफ कर दिया. आई थिंक अभी बाथरूम क्लीन है. पर्दे के उस साइड मेरे को आवाज़ आ रही थी किसी के चलने की. किसी ने नॉक करा भाई. देखो कोई घर में है तो कोई बात नहीं, अपना तुम सो, मैं सफाई करके चले जाऊंगा. ये ऐसे मेरे को डरा के भगाने की जरूरत नहीं है. ये क्या आ रहा है? डोर इज लॉक, रिक्वायर्स ऑफिस की. इस कमरे से यार किसी के नॉक करने की आवाज़ आई है, कहीं उस बंदे ने किसी को बंद तो नहीं कर रखा. हेलो भाई धप्पा मत करना भाई, अभी डर. अरे यार कितना सारा गंदा है, मैं सोच रहा था साफ करके भाग जाऊंगा यार. लेफ्ट से भी आवाज आई. क्लिक टू. हेलो भाई, देखो छुपन छुपाई खेलने का मन है नहीं मेरा. डोर इज लॉक, रिक्वायर्स बेडरूम की. भाई सफाई करने बुलाया, दरवाजे तो खोल देता या चाबी देता मेरे को. एप्पल खा लेता हूँ मैं, भूख लग रही है, खा भी नहीं सकता. छी वेट यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ से सफाई शुरू करूँ इतना. अरे यार मैं जैसे सफाई करने पे फोकस कर रहा हूँ तुरंत कोई गेट नॉक कर रहा है. रुक जाओ, मैं इसे उठा उठा के ना फेंकना चाह रहा हूँ. बस ये उठाया, यहाँ पर फेंका. जल्दी जल्दी ना सफाई कर देता हूँ भाई, भाग जाऊँगा मैं अपना काम करके. ये इधर रखा जानर, इसको भी हटाता हूँ पूरा. कोई पीछे से नॉक कर रहा है भाई, मेरे से मजे मत लो प्लीज. इसको उठाओ, ये दरवाजा बंद कर दो, फालतू में दरवाजे ओपन नहीं रहने. अरे बंदो, बंद भी नहीं हो रहा भाई दरवाजा, क्या सीन है यार. मैं एक बार वापस जाता हूँ और होकर आता हूँ भाई. कोई ये वाला दरवाजा लॉक था ना? ठीक है कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ एकदम ओके. ये वाला एरिया कितना प्यारा लग रहा है, सफाई भी हो रखी है, कोई डर भी नहीं है. बट उधर कोई दरवाजे नॉक कर रहा है, कभी लेफ्ट से दरवाजा नॉक करने की आवाज आ रही है, कभी राइट से. मेरे घर में तो कोई नहीं है ना भाई, पता लगा पीछे से दरवाजे नॉक होते होते क्यों ले गया. नहीं कोई नहीं है, अपना आराम से कोने कोने में रहूंगा ना तो ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी मेरे को. यार चाबी कहाँ है यार? चाबी ढूंढता हूँ पहले, सफाई बाद में करूंगा, पहले देख कर आता हूँ उस कमरे में है कौन. बट चाबी मिलेगी कहाँ से? ना मैं कोई कैबिनेट ओपन कर सकता हूँ, ना कोई ड्रॉअर ओपन कर सकता हूँ, और ना ही मुझे कहीं पर रखा हुआ कुछ नजर आ रहा है. ये है क्या? ओ वेट, ये की ये ऑफिस की मिली है मेरे को. ये क्या है भाई? कसम से ये क्या था यार? हेलो अरे बाप रे, ये तो बहुत अजीब था भाई. मैं मुंह पे मार दूंगा झाड़ू यार, मैं पास जाऊं या नहीं जाऊं, ये वाला दरवाजा भी ओपन नहीं होगा क्योंकि मुझे ये बड़ा अजीब था, कुछ आवाज भी नहीं हुई भाई. ये गेम तो अजीब है, ये शांत वाले भूत
ज्यादा डेंजरस होते हैं। डरा डरू भाई लाइटें क्यों बंद कर दी यार तूने? छी मैं उधर कैसे जाऊंगा यार, पहले मेरे को जो चुप रहो नॉक मत कर। हाँ मैं कह रहा था पहले मेरे को जो एरिया अच्छा लग रहा था वो गंदा लगेगा। ओपन कर दिया मैंने दरवाजा। भाई देख मजे मत ले प्लीज, मारियो मत मेरे को, मैं जा रहा हूँ। ये चाबी चाहिए थी, मैं जा रहा हूँ। मैं सफाई करूंगा ही नहीं, ऐसे मजे ले हुए तो मैं नहीं कर रहा सफाई। तो यार सफाई करने बुलाया डरा। ओ भाई साहब भाई सैनिटी डाउन कर दी भाई। दोबारा आएगा? दोबारा मत आइए, डर नहीं लगेगा इस बारी वरना। ऑलरेडी एक बार डर गया उस चीज से। मैं सफाई कर सकता हूँ अंदर, अभी मामला शांत है। यहीं से नॉक वॉक करने की आवाज़ आ रही थी और अभी मैंने सब ठीक कर दिया। यहाँ सफाई करता हूँ मैं, देखो कितना अच्छा आदमी हूँ। घर में भूत है, दो बार दिख गया, डर गया मैं। क्या आवाज, क्या लिखा गया? मैं साउंड के चक्कर में मैंने रीड नहीं करा यार। क्लीन स्टेन ऐसे करके कुछ तो आया था। प्लीज भाई प्लीज नहीं भाई, ब्लड क्या है ये? पूरा बाथरूम गंदा हो रखा है वाला भाई। यहाँ पर कोई रिचुअल हुआ है क्या भाई? एक तो घर कितना बड़ा है, इतने दरवाजे खत्म ही नहीं हो रहे। बाकी ठीक है मैंने इसे साफ कर दिया है। भाई बेड के नीचे कोई गया है, मैंने देख लिया। आजा आजा धप्पा धप्पा भाई, चीटिंग कर रहा है। मैं होता तो निकल जाता भाई। देख लिया मैंने यार उसको साफ। डस्टबिन यहाँ छुपा रखा है यार, घर में इतने सारे डस्टबिन है फिर भी गंदी है। ये नहीं कि इतनी देर में उठ के जाके डस्टबिन में ही कूड़ा फेंक दे जमीन पे, फेंकने से बढ़िया। पर ठीक है हाँ यार, मतलब फिर सफाई वालों का काम कैसे बढ़ेगा। बाकी मेरा ना अभी इस रूम से जाने का मन नहीं कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं इस रूम को पूरा क्लीन कर दूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा देर हो गई है। शायद से अभी तक मैंने एक भी रूम नहीं साफ करा है। एटलीस्ट एक रूम साफ होगा तो मैं कम से कम एक अच्छा जेनिटर तो कहलाऊंगा। बाकी अभी बस मेरे को मॉप का काम यहाँ पर बाकी रह गया और थोड़े बहुत यहाँ पर कुछ कुछ आइटम और पड़े हैं, वो भी मेरे को पैक कराने हैं। यहाँ पर सारा का सारा मॉप का काम अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है और अभी शायद मेरे को कहीं पर भी नहीं करना। मैं ये उठा के ले जाके रखता हूँ। प्लीज अभी बंगे मत लेना भाई, मैंने काम मेरे को चुपचाप करने दो, मेरे को घर जाना है। A few moments later. Let's go. तो मैंने सारे के सारे डब्बे उब्बे उठाकर लाकर मैंने इसे रख दिया है डस्टबिन में। बट अभी बता प्रॉब्लम क्या है, मुझे अभी इस वाले दरवाजे से आवाज आ रही है। इस पे लिखा है डोर इज ब्लॉक्ड, तो इसे अनब्लॉक कैसे करूं मैं? ठीक है ब्लॉक है तो ब्लॉक रहने दो ना यार, जाना क्यों है वहां? चुपचाप यहाँ से। अरे कौन है यार, पंगे मत लो, मेरा अभी साफ सफाई करने का मन नहीं कर रहा है यार, मेरा घर वापस जाना है भाई। इतना बड़ा घर है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। ओके आगे से आवाज आई है, कोई है नहीं है। यहाँ पे सफाई कर देता हूँ यार, ये रूम छोटा सा जल्दी हो जाएगा भाई। कैसे ऐसे कौन सफाई भाई, कितनी अजीब है। मतलब एक छोटा सा काम करना कितना ज्यादा हार्ड हो रहा है भाई। इधर कुछ नहीं करना, बस ऐसे पेपर उठा उठा के कैन वगैरह उठा उठा के रखने हैं और इधर ऐसे मॉप मारना है। बट नहीं, यहाँ पर एक भूत होने की वजह से सारा काम मुश्किल हो रखा है। ओके आई थिंक मैंने वाला स्टोर रूम भी पूरा क्लीन कर दिया है। आवाज आई राइट से यार, आवाज ना कॉन्टिन्यूसली आ रही है, ऐसा नहीं है एक बार आ रही है, आए जा रही है आवाज। तो ये वाले रूम में मैं वापस आ गया हूँ, कुछ भी नहीं है वैसे। सब कुछ इग्नोर करके भाई मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ। जितना भी यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा है सारा उठा उठा के डब्बे में डालते हैं, मॉप मारते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अगर किसी को पकड़ना होगा भूत वूत को तो आकर हमें पकड़ के ले जाएगा, खेल खत्म। पर ऐसे डर डर के घर में घूमूंगा तो फिर वो ज्यादा बेकार है। तो ये वाला रूम भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ पर बस एक कूड़े का ये कागज और था, इसको भी यहाँ पर डालते हैं। अब बस मुझे यहाँ पे मॉप मारना है और पूरा कंप्लीट। दो जगह मॉप मार दिया है, ओके दो ही जगह था गन, ठीक है भाई। ये वाला रूम और पीछे वाला रूम पूरा हो गया है और अभी बचा है ये मेन रूम। यहाँ पर एक जगह मॉप मारना है। शायद से जो भूत था ना वो मेरे को डराना चाह रहा था और मैं उससे अच्छे से डरा नहीं, तो हो सकता है वो चला गया हो। नहीं नहीं गया भाई, नॉक करने का आवाज आ रहा है अभी भी। मेरे को एक बारी वापस जाने का ट्राई करना चाहिए बट मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है वो एग्जिट गेट पे खड़ा होगा। मुझे ना पक्का ऐसा लग रहा है कि ये जो भूत है ना इसी ने हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया होगा साफ सफाई करने के लिए और अब हमसे पंगे ले रहा है। बाकी ठीक है यार, मैंने ये वाला रूम पूरा क्लीन कर दिया है। ये वाला रूम भी आई थिंक मैंने पूरा का पूरा, हाँ ये भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और अभी मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है ना? कोई मारेगा नहीं मुझे यार, रास्ता ठीक नहीं लग रहा, बाथरूम भी क्लीन था। बाय मैं जा रहा हूँ, बाय 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 बाय। जाओ ना, गड़बड़ लग रही है भाई। हो क्या कर दिया? Well, glad to know I could count on you to get the job done. Oh wait, you didn't. You made me look like a fool. Thanks a lot. Oh, and also, you're fired. हाँ? हमने साफ सफाई पूरी नहीं करी क्या?
समझ नहीं आया मेरे को। एंडिंग मुझे कुछ खास हॉरर नहीं लगी। वेट, यहाँ पर एक्स्ट्रास का ऑप्शन है। ओ तो यहाँ पर तीन एंडिंग है क्या? नोप, एक है जॉब वेल डन और एक है वेरी डेड। तो अभी जो सेकंड एंडिंग है वो प्ले करते हैं और यहाँ पर फास्ट मोपिंग है, ये चीट लगा लेते हैं। थोड़ी जल्दी जल्दी क्लीनिंग होगी, लेट्स गो। इस बार देखते हैं भूत हमारा क्या बिगाड़ने आ सकता है। वापिस से मैं कॉल आया जॉब के लिए। Sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. सेम स्टोरी, सेम बंदा, सेम घर, बट भूत डिफरेंट या फिर डेंजरस हो सकता है। फटाफट से यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह करते हैं। अरे मैं डर क्यों रहा हूँ भाई, ये सब कुछ सेम है, मेरे को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कूड़ा बस साफ करते हुए जाना है, मेरे को आगे बढ़ना है। ये आया मैं रूम में, यहाँ पर मैंने करी क्लीनिंग, इधर भी करा मॉप, इधर भी करा मॉप, इधर भी करा मॉप, और यहाँ पर जितने भी कैंस वगैरह है इसे मुझे उठा उठा के बस यहाँ पे ला के रखना है। एक दो तीन। वैसे साफ सफाई क्यों कर रहा हूँ, मेरे को भी की चाहिए ना सीधा। यहाँ से वाली की उठाते हैं और तू मैं जैसे नहीं डरने वाला, अभी निकल यहाँ से, चल ऐसे। हाँ तो अभी हमें बेडरूम की मिल चुका है। बेडरूम की से हमें, सॉरी मेरे को ये वाले रूम का की मिला है, एंड यहाँ से मुझे चाहिए बेडरूम की। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं बेड। भाई ये रिपीट हो रहे हैं बट फिर भी काफी डेंजरस है, तो मेरे को यहाँ पे सफाई करनी है। सफाई करना समझ नहीं आ रहा जरूरी है या फिर नहीं, लास्ट टाइम भी पूरी सफाई करके गया था। ये म्यूजिक लास्ट टाइम आया था, याद नहीं आ रहा भाई मेरे को, बट ठीक है। इस बार ये नीचे सब कुछ सारे भूत वैसे ही प्ले कर रहे हैं जैसे इन्होंने लास्ट टाइम करा। मैं काम करता हूँ, क्लीनिंग कंप्लीट ही करूंगा पूरी, मेरे को देखना है नया भूत कितना डेंजरस और कितना डरावना हो सकता है। सब कुछ मैं वैसे ही करता जा रहा हूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम करा था। तो फटाफट से क्लीनिंग वगैरह हो गई है और शायद कुछ गंद रह गया यहाँ पर, ये रहा, इसको उठा कर रखते हैं यहाँ पे। और अभी ये वाला रूम क्लीन है, लास्ट टाइम मैं इसको हटा नहीं पा रहा था, ये वाला दरवाजा ब्लॉक था और अभी भी ये ब्लॉक ही है, तो कुछ चेंजेस नहीं आया इसमें। बाहर चलते हैं, ये वाला रूम गंदा था, इसको क्लीन करते हैं। इस बारी मुझे आगे से बहुत तेज आवाज आई है, शायद मुझे चल के देखना चाहिए। हेलो कोई आया क्या इधर? नहीं है। दरवाजा कोई है? ऊपर नीचे आगे पीछे क्लीन है यार, मतलब क्लीन नहीं है, कोई है नहीं, खाली है। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ फिलहाल, ये उठा के रखा यहाँ, डन। उस तरफ चलू क्या एक बारी? आवाज आती ही रहती है यार, मेरे को उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। इस बार लाइट तो बंद थी पिछली बार। ओ भाई मैं नहीं खेलने वाला यार, ये तो सेकंड वाला था भाई, जंप स्केयर है इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक। भाई साहब हो गया ना, अभी बस सफाई करके निकलना है मुझे ताकि मैं थर्ड एंडिंग भी खेल पाऊँ। खेलूंगा खेलूंगा, रेडी हूँ मैं भाई डरने के लिए। क्या था यार ये? अभी तो बहुत तेज गेट खड़काने की आवाज आई है मेरे को। कोई है अंदर? नहीं यार, ये सब कुछ वही है, चलते रह गए। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। चलो पूरा हो गया, बस यहाँ पर अब मॉप मार के इस जगह को क्लीन करना है, डन। चलो भाई ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है, और ये वाला रूम भी क्लीन था ना? नहीं ये वाला नहीं था, ये वैसे भी छोटा सा रूम है तो बहुत जल्दी मैंने इसे क्लीन कर दिया। लेट्स गो, अब फटाफट से मॉप मार के खत्म कर देगा, डन। सब कुछ एकदम क्लीन है, अब आ गया है गो होम, तो मैं घर जा सकता हूँ। थोड़ा सा लग रहा है कुछ गड़बड़ होगी, ना हो तो इन्वेस्टिगेट नॉइज, पीछे कांच टूटा है, कौन है वे? अच्छा लाइट तोड़ दी। अरे भाई साहब ये क्या है? अरे भाई 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 ये डेंजरस था यार, लास्ट एंडिंग वेरी डेड। It might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. भाई इतना बदतमीज बंदा था, इसको पता था इसके घर में भूत है बट फिर भी इसने हमें भेजा हुआ। अभी नॉप हो गया है, वेरी डेड हो गया है, अब एक एंडिंग बचा है, अ जॉब वेल डन, इसे भी खेल लेते हैं फटाफट से। कॉल आया फिर से। Sorry for calling you so late, but would you mind going by the house and do a quick cleanup? I made a bit of a mess and I need the house cleaned as I have some guests coming over in the morning. Okay, thank you. फिर से आ चुके हैं हम लोग वापस उसी घर में क्लीनिंग करने के लिए, और इस बार ही देखते हैं कि कौन है हमें डराने वाला। लास्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं डरूंगा, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें आई सडनली
जिसने डरा दिया भाई। ये जो साउंड है ना, ये सब बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। और एक सेकंड, हेलो, इतने सारे ट्रैश कैंस क्या कर रहे हैं? यू नीड ट्रैश टू प्लेस इट हियर। ठीक है मैं वो तो कर दूंगा, बट इतने ट्रैश कैंस कहां से आ गए? बाकी ठीक है, मैं इसे उठा उठा के बस फटाफट से रखता हूं इसके अंदर। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे ट्रैश कैन है, तो मैं कूड़ा उठा के कहीं पर भी जल्दी जल्दी रख पाऊंगा। ओ, तो जो चीट में एक चीज थी ना, वो मैंने ऑन करी है, उसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे ट्रैश कैन आ गए। अभी क्या है, मैं बहुत ज्यादा चल चल के ना जाना नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या है, कूड़ा फेंकने के लिए मैं बहुत ज्यादा चल चल के नहीं जाना पड़ेगा, फटाफट से हम लोग क्लीनिंग कर पाएंगे। बाकी हाँ, ये वाला रूम मैंने ना पहले ही पूरा क्लीन कर दिया, और ये वाला भी कर ही दिया ऑलमोस्ट, तो इसको भी पूरा करते हैं। दो रूम एकदम डन है। फटाफट से दरवाजा ओपन करता हूँ, यहाँ से चाबी उठा के पहले चलते हैं उस वाले रूम में, और चलते चलते भी ना कूड़ा फेंकते हुए चलूंगा तो बढ़िया रहेगा, बाद में क्लीनिंग करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड मैं आ चुका हूँ अभी इस रूम के अंदर, यहाँ से ली ये वाली चाबी, वापस जाऊंगा। मेरे को अभी इस टाइम पे शायद कोई तो डराने आता था ना, नहीं वापसी में आता था वो शायद, अभी ये आता था। यार भाई क्या हो रहा है यार, दो तीन बार एक ही बंदे को देख देख के भी एक झटका आता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसको फटाफट से करते हैं क्लीन पूरा, डन, ये वाला रूम डन, इसको भी क्लीन करा, कूड़ा उठा उठा के सारा रखते हैं बस अब। चलो ये वाला रूम भी पूरा क्लीन हो गया, और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस। ये भी क्लीन था, ये भी क्लीन है, ये भी क्लीन है। अब बचा एक छोटे वाला रूम, और अपना काम हो जाएगा शायद, मे बी। इस बार कोई ज्यादा खतरनाक बंदा तो मेरे को भी देखने को नहीं मिला है। चलो भाई, सफाई पूरी कर दी है मैंने इस वाले रूम की भी। बाथरूम शायद से रह रहा था ना, मैं कर देता हूँ ज्यादा। हो गया भाई, ओपन ही नहीं हो रहा था इस बार, तो मैं अलग डर रहा हूँ। चलो डन, इस बार इसकी भी सफाई कर दी, मैं जा रहा हूँ वापस। प्लीज धप्पा नहीं, चुप रहा, मैं नहीं आ रहा, नॉक तो होते ही, तू हर बार कहना निकल, इस बार नहीं डरा मैं इससे। लेट्स गो, हमने कंप्लीट कर दिया सारा काम। No pending. Well, glad to know I could count on you to get the job done. Oh wait, you didn't. चुप रह, मैं नहीं कर रहा। You made me look like a fool. Thanks a lot. शायद कोई सामान पीछे रह गया, और अभी fired. ये तीसरी वाली एंडिंग करने का कोई शायद से तरीका है, और अभी अभी मैं बोर हो गया हूँ इस गेम से, एक ही चीज बार बार कर करके। बट हाँ, जो दो इसके चैप्टर्स या फिर दो एंडिंग्स थी भाई, बहुत डेंजरस थी, उसमें जंप स्केयर थे वैसे सब कुछ। बाकी हाँ यार, आई होप आप लोग को भी ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में जाके इसी टाइप की और भी हॉरर गेम्स मुझे जरूर बताना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।